नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के गाजीपुर में जहां कल रात से ठप सरकारी एम्बुलेंस सेवा अब बहाल ही गई है। कल रात से जिले भर के एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल करते हुए एम्बुलेंस सेवा ठप कर रखी थी, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रोग्राम मैनेजर की गिरफ्तारी के विरोध में कामकाज ठप कर दिया था। आज प्रोग्राम मैनेजर को जमानत मिलने के बाद एम्बुलेंस सेवा बहाल हुई। प्रोग्राम मैनेजर पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सीएमओ ने केस दर्ज कराया था, जिसके चलते पुलिस ने प्रोग्राम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल डीएम व्यवस्था यथावत होने का दावा कर रहे हैं। कोई स्ट्राइक नहीं थी, ये सूचना प्रायः मिल रही थी कि जो हमारे एम्बुलेंसेज हैं वो जो हमारा निर्धारित समय है उस समय पे नहीं पहुंच रही थी। इसी समीक्षा करने पर यह पाया गया कि जो है जो यहाँ पे कुछ लोग उसके लिए जिम्मेदार थे वो पर्याप्त मात्रा में उनमें सजगता नहीं थी, वो लापरवाही बरत रहे थे। उसमें से एक जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसको थाने में बैठ पाया गया। और जनपद में इस बात को लेकर के कोई स्ट्राइक नहीं है, सारे हमारे जो एम्बुलेंस हैं वो चल रही है। जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और हमने ये भी सूचित करने की कोशिश की है कि वो व्यक्ति हमारे जनपद में ना कार्य करे। और मुझे बताया गया है कि उसको जो है उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। जनपद में एम्बुलेंस सर्विसेज हमारी यथावत पूर्ण की बात चल रही है, कहीं पर कोई स्ट्राइक नहीं है। हम लोग इस पे नज़र रखते हैं और आगे भी अगर कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि लोग समय पत्रता का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करते हैं तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। और यथासंभव ये कोशिश की जाती है कि जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंतर्गत सभी को एम्बुलेंस मिल जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। जो भी गलतियाँ